जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस में सांस बाहर छोड़ने के दौरान क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो फिर सफोकेशन से उसका मौत हो सकता है। तो चींटी या फिर बिड़नी या फिर मधुमक्खी, ये सब का जो स्टिंग होता है, वो पीने वाला स्टिंग नहीं, जिससे एनर्जी आ जाता है, एकदम 2 सेकंड में ग्राउंड फ्लोर से 10वां फ्लोर पे पहुंच जाता है। अब अगला टॉपिक इसमें लिखो न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन जो है एक तरह का रिएक्शन है, जो कि एसिड का भी प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं वो होगा इंक्लूड, और बेस का प्रॉपर्टी में भी इंक्लूड होगा, क्योंकि होता क्या है एसिड और बेस के बीच में ही रिएक्शन होता है। और बहुत सारा यूज जो हम देखें एसिड और बेस का, उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एप्लीकेशन है। जैसे एसिडिटी बढ़ गया तो बेस हम खा लिए, यहाँ बेसिक नेचर बढ़ेगा वहां उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का इस्तेमाल हम करेंगे। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब इस रिएक्शन के दौरान हीट क्या होता है, बाहर रिलीज होता है। तो जो हीट रिलीज होता है उसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और वो डिपेंड करेगा जो एसिड और बेस है उसका नेचर पे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा। तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ H+ एंड OH- आयन रिलीज्ड। H+ आयन ज्यादा कब रिलीज होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और OH- आयन भी ज्यादा कब रिलीज होगा, जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितना ज्यादा H+ और OH- आयन रिलीज होगा उतना ही ज्यादा मात्रा में हीट भी इवॉल्व होगा। तो इसका जनरल रिएक्शन जो है उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। और इसमें भी जो है 3 कैटेगरी होता है। पहला कैटेगरी होता है कि एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस केस में सॉल्ट जो बनेगा वो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। जहां पे पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन होगा वहां पे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा ही। अगला केस है कि एसिड स्ट्रांग रहे लेकिन बेस जो है वो वीक रहे, तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट हल्का सा एसिडिक होगा, क्योंकि H+ आयंस का मात्रा ज्यादा है, OH- आयंस का मात्रा कम है। तीसरा जो है कैटेगरी वो क्या हो जाएगा, जहां पे एसिड वीक हो लेकिन बेस स्ट्रांग, उस केस में OH- आयन का मात्रा ज्यादा रिलीज होगा, H+ आयन कम रिलीज होगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का हो। तो इस आधार पे सॉल्ट हम बोल सकते हैं 3 तरह का बन जाएगा, एक तो बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट, और तीसरा बेसिक सॉल्ट। अब जैसे बोलो ये दोनों अगर वीक होगा, तो दोनों अगर वीक होगा तो फिर रिएक्शन होगा ही नहीं, या फिर इतना स्लो होगा कि वो तुमको रियल टाइम में पता ही नहीं चलेगा। तो देखो जैसे जैसे बताए थे जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में सब एग्जांपल है। पहला है ये दोनों एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो जो सॉल्ट बना है वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। उसी तरह से सेकंड केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। और तीसरा केस में जो एसिड है वो वीक है और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, देखो रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर सॉइल एसिडिक हो जाता है तो उसमें पौधे नहीं उग पाते हैं, खासकर जो क्रॉप्स अगर उनको उगाना है, कोई फसल उगाना है तो वो नहीं उग पाएगा, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसका पीएच जो है वो सॉल्ट का जो पीएच होता है या न्यूट्रल वाला जो पीएच होता है वहां के आसपास हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी पौधे होते हैं वो उसी न्यूट्रल वाला पीएच के आसपास ही अच्छे से डेवलप हो पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, जो कि क्या करता है, एसिडिटी जो भी है सॉइल का उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सेकंड लिखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से बेचा जाता है MgOH2 को, तो इसका टैबलेट भी आता है, ठीक, लिक्विड फॉर्म में जब यूज किया जाता है तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो टैबलेट होता है उसको यूज किया जाता है। एक्सेस HCl, हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, HCl, तो वही HCl जो है ऐसे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो खाना को गलाने का काम करता है, जर्म्स को मारने का काम करता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हो जाए तो वो क्या करेगा, उसी से हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का गोली टैबलेट। हाँ, इसके अलावा जैसे देखते हो बिड़नी उड़नी काट लेता है या कोई चींटी उटी जब काट लेता है तो काफी वहां पे दर्द होता है, तो चींटी या फिर बिड़नी या फिर मधुमक्खी, ये सब का जो स्टिंग होता है, वो पीने वाला स्टिंग नहीं, जिससे एनर्जी आ जाता है, एकदम 2 सेकंड में ग्राउंड फ्लोर से 10वां फ्लोर पे पहुंच जाता है। उसका डंक जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड माने HCOOH, देखो ये CH3COOH है और ये HCOOH है, दोनों एक ही फैमिली का एसिड है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ये फर्स्ट मेंबर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये सेकंड मेंबर है। ये वाला जो है इसको हम जानते हैं विनेगर के रूप में हम यूज करते हैं, सिरका एसिटिक एसिड, ये हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन इसी का देखो पहला मेंबर जो है HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड, ये हमारे
लिए काफी जहरीला होता है। तो जहां पे भी वो बिड़नी काट लेता है, वो अपना जो डंक होता है उसमें से इसी फॉर्मिक एसिड को तुम्हारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देता है, तो इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो उस समय वैसा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, चूना घिसते हैं। तो चूना क्या होता है, बेस होता है। तो बेस जो है वो जब रगड़ा जाता है वहां पे, तो वो ये जो एसिड है इसको क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर हमको राहत मिलता है उस। या फिर अगर साबुन उबुन है तो साबुन भी क्या होता है, बेस होता है। साबुन को भी रगड़ोगे तो वैसे ही रिलीफ देगा, वही बेस होता है तो न्यूट्रलाइज कर देगा। लोहा या कोई भी मेटल होता है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो कोई भी मेटल जो हम यूज करते हैं, मेटल का सामान, उसके मेटल के सरफेस के ऊपर धीरे धीरे ऑक्साइड का लेयर जम जाता है, वो तुमको दिखेगा नहीं लेकिन जमा हुआ रहता है। तो लोहा या कोई भी मेटल को घसोगे तो वो ऑक्साइड का लेयर जो है वो चला जाएगा, उसमें मेटल का ऑक्साइड भी क्या करता है, बेस की तरह काम करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, एप्लीकेशन है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस में, या फिर जो सबमरीन में बहुत गहराई में जो लोग रहते हैं, खासकर सबमरीन में कौन रहता है, सैनिक उनिक सब रहता है, तो वो भी एकदम चारों तरफ से पैक ही होता है एक तरह से। जो सिचुएशन एस्ट्रोनॉट्स का होता है स्पेस में, वही सेम सिचुएशन उसका भी है। मतलब वहां पे ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड मात्रा में है, तो जब वो सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं, और सांस बाहर छोड़ने के दौरान क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड लगातार रिलीज अगर करते रहेगा तो पूरा तो चारों तरफ से बंद है, क्लोज्ड है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो फिर सफोकेशन से उसका मौत हो सकता है। तो किसी तरह से उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से क्या करना है, रिमूव करना है, चाहे वो सबमरीन में हो चाहे वो एस्ट्रोनॉट स्पेस में हो। तो उसको कैसे हम रिमूव करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं क्या होता है, एक एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जितना भी होता है सारा एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, कोई बेस, तो वहां पे बेस के रूप में यूज किया जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम जो कि एक मेटल है, लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उस मेटल का हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस, उसको यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए।